हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यूट्रिकल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हमारे सैमसंग के लेटेस्ट डिवाइस के बारे में, सैमसंग S20 प्लस के बारे में। इस डिवाइस को मैं कुछ दिनों से यूज कर रही हूँ और यूज करने में मुझे ये ज्यादा मजेदार नहीं लगा। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सब कुछ इस डिवाइस के बारे में, पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव चीजें, सारी बातें। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से उसको पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें आपको इस फोन की पता होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डिवाइस का कलर है वो बहुत ही बेकार है, मुझे बहुत बुरा लगा इसका कलर। ये जो ग्रे कलर है, अगर आपको जरा सा भी डाउट हो कि कलर कैसा लग रहा है एक्चुअल में और आप इसको प्री बुक कराने वाले हो तो प्लीज जाके सैमसंग स्टोर पे जाएं, किसी भी स्टोर पे जाएं जहां ये डिवाइस अवेलेबल हो, वहां जाके इसको एक बार जरूर देखें। ये फोन देखने में आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ग्रे कलर में। इसके सामने अगर हम यही नोट 10 प्लस देखें, ऑरा ग्लो कलर में एकदम डिजाइन डैशिंग नजर आ रहा है। मतलब जो हमारा ये पेपर सिरामिक वाइट कलर है जो हमारा S10 प्लस है, और इसके अंदर ये दोनों डिवाइसेस एकदम अप मार्केट डिवाइसेस लगते हैं, एकदम डैशिंग डिवाइसेस लगते हैं। उनके हिसाब से ये जो ग्रे कलर है बहुत ही बुरा लग रहा है। साथ ही अगर हम नजर डालें इस डिवाइस के डिजाइन पे तो आप देख सकते हैं कि हमें इसके अंदर मिलती है प्रीमियम ग्लास बॉडी। डिवाइस हमारा काफी लाइट वेट लगेगा आपको हाथ में होल्ड करने में, 186 ग्राम्स का है, इजीली आप इसको होल्ड करके यूज कर सकते हैं। वैसे ग्लास बॉडी के डिवाइसेस हमारे हैवी होते हैं लेकिन ये स्लिम भी है और उसके साथ लाइट वेट भी है। हाथ में होल्ड करा हुआ डिवाइस आपको सॉलिड फील देगा, इसके अंदर हमें मेटल फ्रेमिंग मिलती है। लेकिन डिजाइन में एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट आता है, मेरा फेवरेट पॉइंट आता है, वो ये है कि डिवाइस के ऊपर आपको IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है। ये बहुत ही जबरदस्त फीचर है जो हमें इस फोन में देखने को मिल रहा है, सैमसंग के प्रीमियम फोन्स में हमें मिलता है। डिवाइस का मजे से पूल साइड, बीच साइड यूज कर सकते हैं, बारिश में यूज कर सकते हैं, इवन अभी होली आ रही है, होली में भी यूज कर सकते हैं। सो ये तो एकदम मजेदार फीचर है इस डिवाइस में जो हमें मिल रहा है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस में इसके अंदर हमें मिलता है सैमसंग एक्सिनोस 990 का प्रोसेसर। जी बिल्कुल, आपको सैमसंग एक्सिनोस 990 मिल रहा है, आपको जो हमारा स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर है वो नहीं मिल रहा। इंडिया को एक्चुअल में सेकंड ग्रेड पे ही रखा जाता है इंडियंस को, तो हमें ये बढ़िया वाला प्रोसेसर नहीं मिल रहा है। और ये जो हमारा प्रोसेसर है वो एक्चुअल में जो हमारा फ्लैगशिप प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 865 का, उससे परफॉर्मेंस में काफी कम आता है। मतलब जनरली अगर मैं आपको इसका एंटूतू स्कोर दिखाऊं, परफॉर्मेंस को अगर हम देखने के लिए, एक आइडिया लगाने के लिए एंटूतू स्कोर पे नजर डालें तो इस डिवाइस का एंटूतू स्कोर 5,07,000 आया है। और हमारे पास अभी, मेरे पास जो स्नैपड्रैगन 865 में से एक ही डिवाइस है हमारा IQ3, और इसका एंटूतू स्कोर 6 लाख के पास आता है। तो मतलब क्लियरली 1 लाख का डिफरेंस है दोनों के स्कोरिंग में, दोनों की परफॉर्मेंस में। तब कह सकते हैं कि हमें इसमें S20 प्लस के अंदर स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाली परफॉर्मेंस मिल रही है। वैसे नॉर्मली परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, डे टू डे वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एनिमेशन स्मूथ मिलेंगे आपको एकदम, आपको मल्टीटास्किंग में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन जो फ्लैगशिप स्टैंडर्ड सेट हो रहा है आज की डेट में, उस हिसाब से आपको परफॉर्मेंस इसके अंदर कम मिल रही है। इसके साथ अगर PUBG की बात करें तो PUBG भी आपके इस डिवाइस में मजेदार चलेगी, आप एक्सट्रीम सेटिंग्स में अच्छे से गेम को एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद डिवाइस के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि क्या ये हमारा डिवाइस 5G है, तो नहीं, आपको 4G मिल रहा है। इंडिया में अभी सैमसंग ने हमें 5G नहीं दिया। अब आगे बात कर लेते हैं डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में। इसके अंदर हमें मिलता है 6.7 इंच का डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको 2K रेजोल्यूशन मिलती है और इन्फिनिटी ओ डिजाइन मिलता है। आप देख सकते हैं इसका जो हमारा पंच होल है वो काफी छोटा सा है और बेजल्स भी काफी कम है। डिस्प्ले के अंदर आप देख सकते हैं कलर्स आपको बहुत ही वाइब्रेंट मिलते हैं, कंट्रास्ट काफी अच्छा मिलता है। हालांकि जो ब्राइटनेस है वो एक्चुअल में डिवाइस की इतनी अच्छी नहीं आई है, मतलब मैं आपको टेस्ट दिखाऊं अगर ब्राइटनेस का, तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो रीडिंग आई है हमारी वो 350 के पास आई है। और यही अगर मैं आपको फ्लैगशिप लेवल के जो डिवाइसेस हैं हमारे उनकी अगर रीडिंग दिखाऊं, और यहीं पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे IQ की रीडिंग आ रही है, जो कि हमारा फ्लैगशिप फोन है, वो 600 के पास आ रही है, 590। क्योंकि मैं जब भी डिस्प्ले टेस्ट करती हूँ, मैं ये हमेशा टेस्टिंग करती हूँ डिस्प्ले टेस्ट में, तो उनके हिसाब से एवरेज ब्राइटनेस मिल रही है।
सो डिस्प्ले एक्चुअल में तो डायनामिक एमोलेड है लेकिन इसकी ब्राइटनेस कम है। उसके बाद डुअल कर्व डिस्प्ले जो होता है वो मुझे एक्चुअल में सैमसंग का जो हमें पहले से मिलता आ रहा है वो बहुत ही प्यारा लगता था, मेरा फेवरेट होता था। और मैंने जितने भी लोगों से पूछा है जो मेरे फ्रेंड्स फैमिली में हैं उन सबको डुअल कर्व डिस्प्ले जो था वो बहुत बढ़िया लगता था। अब आपको वो नहीं मिल रहा, आपको फ्लैट डिस्प्ले मिल रहा है, तो ये चीज़ तो मेरे को नहीं अच्छी लग रही। मेरे को तो डुअल कर्व ही पसंद आता था, अब हमें नहीं मिलती इस चीज़ के अंदर। उसके बाद डिवाइस के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। और सबसे पहले तो आपके डिफॉल्ट सेटिंग्स पे ये आपको सेटिंग्स नहीं मिलेगी, आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा डिफॉल्ट सेटिंग में, आपको खुद जाके चेंज करना होगा। जैसे ही आप 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सेट करेंगे आपकी जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन है वो डिग्रेड हो जाएगी, मतलब 2K रेजोल्यूशन से आपकी ये ऑटोमेटिकली फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिल जाएगी आपको। अब आगे बात कर लेते हैं डिवाइस के कैमरा के बारे में। कैमरा में एक्चुअल में थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन आई हुई है कि आपको पहले जो हमारी S10 सीरीज थी उसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता था, अब आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। जो मेन कैमरा है मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, मेन कैमरा आपका अभी भी 12 मेगापिक्सल का ही है। जो 64 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है वो हमारा टेलीफोटो कैमरा है। जो मेन कैमरा है 12 मेगापिक्सल का है। पहले हमें वेरिएबल अपर्चर मिलता था 1.5 से 2.4 तक का, और अभी आपको इसके अंदर मिल रहा है फिक्स्ड अपर्चर 1.8 का, जिसका कि सेंसर साइज तो बढ़ा दिया गया है और अपर्चर साइज भी बढ़ा दिया गया है। पहले से देखा जाए तो लो लाइट जो हमारी फोटोग्राफी थी उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, हालांकि अपग्रेड किया गया है। पहले जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा था और अब जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको पिक्स दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं, और सैंपल्स में आप देख सकते हैं कि क्वालिटी में, मतलब अभी आपको जो मैं पिक्स दिखा रही हूँ और अगर मैं आपको अलग से दिखाऊं S10 प्लस की, तो ज्यादा डिफरेंस आप नहीं बता सकते हैं। सामने रखेंगे पिक्स को दोनों को तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिख जाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो आपको यहाँ पे भी अच्छी पिक्स मिल रही है जैसे वहां पे मिल रही थी, ब्राइटनेस देख सकते हैं बढ़िया लग रही है, एक्सपोजर को अच्छे से मेंटेन कर रहा है, फोकस भी बढ़िया है पिक्स के अंदर, और सैचुरेशन भी बढ़िया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेलिंग हमें अच्छी मिल जाती है। सो बैक कैमरे की पिक्स जो है वो हमारी काफ़ी अच्छी है। वीडियोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 8K वीडियो मिल जाती है रिकॉर्डिंग, और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, स्लो मोशन शूट, हाइपरलैप शूट, ये सारे फीचर्स आपको डिवाइस के अंदर मिलते हैं। वीडियो के अंदर स्टेबिलिटी भी हमें काफ़ी अच्छी मिल रही है, फोकसिंग भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। इसके कैमरा में अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग 4K रिकॉर्डिंग करते हैं और उस समय आप ऑन करते हैं स्टेडी शॉट को, तो आपका 4K रिकॉर्डिंग से अपने आप स्विच हो जाएगा फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग में, मतलब कि आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ स्टेडी शॉट को ऑन नहीं कर सकते हैं। ये भी एक गड़बड़ है जो मुझे कैमरा के अंदर देखने को मिली। तो कैमरा जो है वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया गया है और बढ़िया आपको कैमरा मिल रहा है। अब जो हमारा सेल्फी कैमरा आता है उसके अंदर एक्चुअल में 10 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि अपग्रेड नहीं किया गया। पहले से अगर हम कंपेयर करें तो S10 प्लस के अंदर हमें डुअल सेल्फी कैमरा मिलता था 10+2 मेगापिक्सल का, और अब हमें सिर्फ 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है। आप देख सकते हैं नॉर्मल मोड में, ब्यूटी मोड में, HDR मोड में, और हमारे पास पोर्ट्रेट मोड में आप पिक लेने के बाद इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं अपने फोन के अंदर। देख सकते हैं ये है हमारे सेल्फी कैमरा का वीडियो। इसके फ्रंट कैमरा के वीडियो में आप वाइड एंगल वीडियो भी बना सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड में भी वीडियो बना सकते हैं। कैमरा वाइज देखा जाए तो अपग्रेडेशन नहीं है सेल्फी कैमरा में, लेकिन पिक्स हमारी काफी अच्छी आई है और बैक कैमरा से भी पिक्स हमारी काफी सही आई है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं डिवाइस की बैटरी के बारे में। तो हमें मिलती है 4500 mAh की बैटरी डिवाइस के अंदर, जो कि मुझे लगता है बैटरी बैकअप अच्छा दे देगी। वैसे जल्द मैं इसका कंप्लीट ड्रेन टेस्ट भी करके देखूंगी कि कैसी हमें बैटरी परफॉर्मेंस मिल रही है, बैटरी बैकअप कैसा है। और चार्जिंग के लिए हमें बॉक्स के साथ मिलता है 25 वॉट का चार्जर, जो कि मुझे एक्चुअल में बढ़िया नहीं लगा, मतलब जो A70 में मिल रहा है A71 में 25 वॉट का वही चार्जर हमें दे दिया गया है। और सैमसंग के पास देखा जाए तो 45 वॉट का चार्जर भी है, अवेलेबल है, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिया। मतलब यहाँ पे बाकी कंपनियां ट्राई कर रही हैं कि वो हमें 55 वॉट का चार्जर दें, रियलमी ट्राई कर रहा है कि हमें 65 वॉट का चार्जर दे, और इवन आजकल 17-18 हज़ार रुपये के अंदर भी हमें 30 वॉट का चार्जर मिल जाता है। और यहाँ पे सैमसंग के पास 45 वॉट का चार्जर है, जो कि अभी के हिसाब से भी फ्लैगशिप फोन्स जो अभी आ रहे हैं उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से भी कम है, लेकिन स्टिल हमें 25 वॉट का चार्जर दिया गया।
तो ये चीज वही है कि अगर बैटरी अच्छी हो गई थी तो फिर चार्जिंग के अंदर वो लोचा आ गया, अगर हमारा बैक कैमरा अच्छा हो गया था तो फ्रंट कैमरा में लोचा आ गया। मतलब ऐसा है कि गड़बड़ गड़बड़ बहुत है डिवाइस के अंदर, आपको पूरी तरह खुशी नहीं मिल पाएगी इस फोन को लेके यूज करने में। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि क्या क्या बढ़िया है, कैसा कैसा है और मेरे हिसाब से तो ओके ओके डिवाइस है। अगर आपने लेना हो तो इसकी सारी जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, कहीं लेने के बाद आपको शॉकिंग सा लगे तो मैंने सोचा आपको वीडियो बना के बता देती हूँ सब सारी चीज़ें। सो लेने वाले ले लेंगे, समझने वाले समझ जाएंगे। और ये था हमारा आज का वीडियो, आगे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेकर आती रहूंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।